मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष सतीश गुंडाने ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की लंबित मांगों वेतन वृद्धि एरियर महंगाई भत्ता पदोन्नति गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य मांगों के संबंध में शासन द्वारा कोई सार्थक निर्णय नहीं लिए जाने के कारण 18 सितम्बर को प्रदेश स्तर पर संयुक्त मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षों एवं संघों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गयी जिसमे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की रणनीति बनेगी। बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सभी मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल संगठनों के पदाधिकारियों संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था 18 सितंबर को भोपाल जाने हेतु प्रतिनिधि मंडल बनाने में एवं आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति बनाने में अपना प्रस्ताव लिया गया। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो हमारी लंबित मांगे हैं वेतन वृद्धि एरियर महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता पदोन्नति एवं अन्य जो कर्मचारी संघों की लंबित मांगे शासन स्तर पर विचाराधीन है उसके निराकरण आज तक नहीं होना और 18 सितंबर को जो हमारी भोपाल स्तर पर बैठक होना है अंतिम रणनीति के लिए उसके पूर्व तैयारी के लिए आज हमने यहाँ जिला छिंदवाड़ा के लघु वेतन कर्मचारी संघ के ऑफिस में ये बैठक आयोजित की है। इस बैठक में आज ये सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 18 सितंबर को भोपाल स्तर पर अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय होता है तो जिले के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी इस हड़ताल में जाने के लिए सहमत हैं और सबने अपनी सहमति दी है और सभी हड़ताल में जाने के लिए करबद्ध रूप से तैयार हैं और यह भी निर्णय हुआ है कि शासन जब तक कर्मचारियों अधिकारियों की लंबित मांगे नहीं मांगेगी जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।